फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यूज कैसे तैयार किए जाएं? अच्छा, इसमें देखिए बुनियादी तरीकेकार ये है कि एमसीक्यू पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से तैयार करने हैं। पास पेपर सबसे बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इस्लामियात के लिए भी ये बात जो है वो रेलेवेंट है। सबसे पहले तो बच्चों को वो सेगमेंट देखने हैं ना जिनमें से सवाल पूछा जाता है। एग्जामिनर की कोशिश होती है कि हर दफा सवाल बदले। वो सवाल तो बदल सकता है लेकिन सेगमेंट नहीं बदल सकता। मैं सादा सी मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह एक सेगमेंट है कि एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के नाम, एक सेगमेंट है करेंसीज के नाम, एक सेगमेंट है नोबेल प्राइज विनर्स कौन कौन से हैं, एक सेगमेंट है रिवर्स और लेक्स कौन कौन सी हैं, वाटर बॉडीज। अच्छा, ये सेगमेंट्स हैं। बच्चों ने पहले ये देखना है कि एग्जामिनर कौन कौन से सेगमेंट तैयार करता है। वो पिछले 10 साल के पेपरों को आप एनालाइज करें तो वो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बेसिक सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इन सेगमेंट्स को जाके किताबों के जरिए, इंटरनेट के जरिए और जहां जहां से उनकी इंफॉर्मेशन मिले आपने उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेना है और अपने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने। कोई भी एक किताब जो है कभी भी मुकम्मल तैयारी नहीं करवा सकती आपको ऑब्जेक्टिव की। सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद में उसके ऊपर अपने पेपर्स बनाएं। ओके, क्या डेफिनेशन सेम वर्ड्स में ही देना जरूरी होता है? दोनों तरीके हैं। डेफिनेशन सेम वर्ड्स में भी दी जा सकती हैं। अगर सेम वर्ड्स में दें तो आप कोट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लगाते हैं, और अगर सेम वर्ड्स आपको याद नहीं है तो सिंपली इन्वर्टेड कॉमास के बगैर आप बता दें कि IMF जो है वो इकोनॉमी कैसे डिफाइन करता है या करप्शन कैसे डिफाइन करता है, बात खत्म। दोनों तरीके से ज्यादा तो ओके। वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए? अगर वोकैबुलरी, देखिए वोकैबुलरी दो तरह की है। एक तो वो है जिसको हम सिनोनिम इंटोनिम के लिए तैयार करते हैं, जो 20 नंबर के सवाल आता है हमारा पेपर 2 में, प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर में। उसके अंदर तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो आपने हजारों में अपने लफ्ज जो है वो तैयार करने होते हैं। सिर्फ आपको लफ्ज आता हो, उसका मीनिंग जो है आपको आइडिया हो, इसका माना क्या है, दैट्स इट। उसका बेस्ट तरीका कार क्या है कि आप डेली की बुनियाद के ऊपर 40 से 50 लफ्जों को देखते जाए, अपने ज़हन में दोहराते जाए। अगले दिन जो है वो नए लफ्ज भी करें और पीछे वालों को साथ ले लें, अगले दिन नए लफ्ज करें और पीछे वालों को साथ मिला लें, हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए रख लें। तो यूं तरीकेकार होता है। अगर आप एक हफ्ते में 300 वर्ड्स को करते हैं तो आप उसमें से 200 आपके जहन में रह ही जाते हैं। बार बार रिवीजन जो है वो करते जाना है। जो वोकैबुलरी आप तैयार करते हैं ऐसे के अंदर या पैसे के अंदर यूज करने के लिए या कॉम्प्रिहेंशन या सॉरी अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी गहराई में उतरना बड़ा जरूरी होता है। आप वोकैबुलरी का एक लफ्ज देखते हैं फिर उसके बाद में उसके शेड्स के अंदर जाते हैं कि ये किस माने के अंदर इस्तेमाल होता है, फिर उसके बीच में उसकी पूरी फैमिली को आप जो है वो जाके देखते हैं, प्रपोजिशन देखते हैं इसके साथ कौन सी इस्तेमाल होती है। रेपिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। रिवाइज करें, बार बार रिपीट करें, रिपीट करें। अपने आसपास एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट कर दें कि आपको लिखे हुए लफ्ज जो है किसी न किसी तरीके से नजर आते रहे। जैसे जो मेरी वोकैब लिस्ट है वो एक डायरी के अंदर पड़ी हुई है। मैं कहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ ऑफिस में, तो वो डायरी सी पड़ी है, खोल के मैं उनको देख लेता हूँ, एक नजर दौड़ा लेता हूँ। तो यूं उनको अपने नजदीक रखें और उस पर नजर डालते रहें। जो आपका फारिग टाइम है ना वो आप वोकैबुलरी के लिए रख दें, उसके ऊपर नजर डालते रहें। बार बार आप नजर डालते रहेंगे तो दिमाग के अंदर पंच हो जाएगी। ओके, क्या अप्लाई करते वक्त फ्रीलांसिंग को एज एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए? यस, करने में कोई हर्ज नहीं है। आप काम कर रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं और वो आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस है, इसको मेंशन करें, अच्छी बात है। बल्कि इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट लोगों को हमेशा पैनल जो है अप्रिशिएट करता है, जो जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, अपने कुव्वत बाजू पे जिसका जो इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा अप्रिशिएट करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? 4-5 तरीके हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं। पहले नंबर पे तो आप देखते हैं स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा, स्कोरिंग ट्रेंड को एग्जैक्टली आप नहीं पकड़ सकते। स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से ये चीज समझ लें कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो के हमेशा गंदे नंबर देते हैं। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बीच में, अच्छा जो हमेशा गंदे नंबर देते हैं इसका मतलब आपने उनसे अवॉइड करना है, ये पहला फार्मूला आ गया। दूसरे नंबर पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं जिनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एक साल बहुत ऊपर, दूसरे साल बहुत नीचे, अगले साल फिर बहुत ऊपर, अगले साल फिर बहुत नीचे, इनको भी अवॉइड करना है। कुछ ऐसे हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे होते हैं अच्छे और बहुत अच्छे के दरमियान, कभी दरमियाने से नंबर आ जाते हैं, कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी दरमियाने से कभी अच्छे। मैं हमेशा बच्चों को
रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जाएं जिनके बीच में ये इम्कानात कम है कि वो चाहे आपको टॉपल कर देंगे गिरा देंगे. ये पहला सॉरी ये पहला क्राइटेरिया हो गया नंबरों वाला. दो तीन बातें इसमें और भी है. पसंद ये कि नंबरों का स्कोरिंग प्लान देखने के बाद आपने ये देखना है कि किसका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है. आपने ये देखना है कि किसके ऊपर आपके पास कोई गाइड करने वाला बंदा मिल जाएगा. फिर ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके मिजाज के साथ मैच करता है. कुछ साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, कुछ आर्ट बेस्ड है, कुछ लॉ बेस्ड है. आपका अपना रुझान किस तरफ है आपने उस चीज को जो है वो लाजमी मद्देनजर रखना है. आपने जो चीजें पहले पढ़ी हुई हों बैकग्राउंड तो उसको अपने लास्ट वेटेज देनी उसको भी मद्देनजर रखना है कि आपका बैकग्राउंड किस चीज है. अगर किस चीज में आपका पहले से नॉलेज है तो ज्यादा वो समझ में फिर आती है आसानी रहती है. लेकिन एक चीज समझ लें कि दो चीज भी आपने सीएसएस के लिए तैयार करनी है. तो आपने पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी तो तैयारी में उतना ही उसने टाइम लेना है ऑलमोस्ट. आपने जीरो से ही तैयार करना और उसको एंड तक लेकर जाना. जी प्रेसी लिखने के लिए पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इम्प्रूव करें? प्रेसी लिखने के लिए इसका सिंपल वे है प्रैक्टिस करें. देखिए बात ये है कि एक प्रेसी के तीन पार्ट है. आपने पैराग्राफ को समझना है कि पैराग्राफ जो है वो क्या कहता है कॉम्प्रीहेंड करना है. दूसरा पार्ट है आपको पॉइंट पिक करने आते हो. तीसरा पार्ट ये है कि पॉइंट पिक हुए हो तो आप उसको यूज करके प्रेसी लिख सकते हो. नॉर्मली लोगों को पहले पार्ट में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पहले में होती थी. उसका तरीकेकार फिर मैंने ये निकाला कि बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, अपनी रीडिंग को बढ़ा दिया. दिस इज द ओनली वे. बच्चे अपनी रीडिंग बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ये मामला इंशाल्लाह उनका सेटल हो जाएगा. अखबार पढ़ें, नॉवल पढ़ें, फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ें तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह. और शुक्र. लास्ट क्वेश्चन, क्या सीएसएस के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में डिग्री होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सीएसएस के लिए सिंपल आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और बाकी जो सारा दारोमदार है आपके सीएसएस के पेपर के ऊपर है कि आपने पेपर जो है वो कैसे लिए और उनके नंबर क्या है. ओके.